Hello students, I welcome to online class. Today we will discuss about elections of president's election of India. So first we will discuss the president of India. What is the eligibility of president of India? How they elect? So first we will discuss eligibility or qualifications. So first, अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में elect होना चाहते हैं, participate करना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये चार eligibility होनी चाहिए. First, must have Indian citizens. हिंदुस्तान के शहरी, यहाँ के नागरिक हों. Second, enlisted in the voter list. Means उनका नाम voter list में हो, वो वोट देने के लिए भी एलिजिबल. And third eligibility is age. President के election को contest करने के लिए minimum age 35 years होना चाहिए. 35, कम से कम 35, और more than 35. And fourth criteria is must not hold office of profit. यानी प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ने के लिए किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए. मतलब वो किसी और पोस्ट पे नहीं हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल, किसी भी सर्विस में ना हो. सेंट्रल लेवल में भी नहीं हो सकते हैं, यानी सेंट्रल लेवल के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, स्टेट लेवल के अधिकारी नहीं हो सकते हैं. तो अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है और आप अगर सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या स्टेट एम्प्लॉय हैं या किसी पद पे हैं, तो वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा. इसी को कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी डबल फायदा नहीं ले सकते. So next we come, general citizens don't play any role in the presidential election. अब इनका election कैसे होता है, इनके voter कौन होते हैं, इसके हम लोग discuss करेंगे. General citizens का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये लोग vote नहीं करते. तो president का election कैसे होता है? He is elected indirectly by an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament and of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation. हम लोग समझेंगे कि स्टेट का जो चुनाव होता है थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज और इनडायरेक्ट होता है. तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि आम जनता प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनती है. हाँ, आम जनता ने जिन एमपीज को, जिन एमएलएज को चूज किया है, उनको इलेक्ट किया है, तो वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर होते हैं और वही उनको इलेक्ट करते हैं. तो हम डिटेल्स में देखेंगे. तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट के टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सिटिंग एमपी हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं, वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट को. इसके अलावा हर स्टेट के असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग वोट करते हैं. इसमें वी हैव सेवन स्टेट्स जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं, वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, वो प्रेसिडेंट्स को वोट नहीं करते. ओनली प्रेसिडेंट्स को वोट कौन करते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट के असेंबली के जो मेंबर हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलसी
इनके वोटर नहीं होते। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, वो भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते। एंड दो लोकसभा में जो दो मेंबर नॉमिनेट किया जाता है वो भी भाग नहीं लेते हैं इसमें। ओके, तो अब समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है कि जनता के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है एमपीज और एमएलएस ये लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। और इसके बाद इनका जो वोट होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। अब इसको समझेंगे कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या। तो जनरल इलेक्शन जो होता है तो आप देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया को पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी हर सीट से कई पार्टियों के मेंबर्स खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है नवादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और नवादा से 5 पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो जब वोट देने जाते हैं तो उस पांचों पार्टी के सिंबल्स होते हैं और उनके सामने बटन दबाना पड़ता है, किसी एक को चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उनका जो बैलेट पेपर होता है अलग होता है। जितने भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनका सिंबल होता है, उनके सिंबल पर बटन दबाना पड़ता है किसी एक, और उनको हम चुनते हैं। उसमें सिंबल तो सभी का होता है लेकिन चुनते एक को। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो जब इसमें बैलेट पेपर होता है तो वोटर को जब ये बैलेट पेपर मिलता है तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फोर कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ए बी सी एंड डी। तो सबको जितने भी वोटर हैं इसमें उनको चारों को वोट करना है प्रायोरिटी बेस पे, मीन्स उसमें 1, 2, 3, 4। अब ये देखिए कि हमें मुझे पसंद आया कि मुझे रजिस्टर ए को वोट करना है तो हमने उनको नंबर वन प्रायोरिटी दी। सेकंड में इनको भी हमें वोट करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है, डी को भी करना है, लेकिन क्या है कि इसमें प्रायोरिटीज बेस हमने फर्स्ट प्रायोरिटीज दिया ए को, सेकंड प्रायोरिटीज हमने दिया बी को, सेकंड प्रायोरिटीज हमने दिया डी को। ओके, एंड थर्ड प्रायोरिटीज हमारा है डी एंड फोर्थ प्रायोरिटीज है हमारा सी। ठीक है, तो इस तरह से जब काउंटिंग होगा तो पहले देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटीज वाले कितने हैं, सेकंड प्रायोरिटीज वाले कितने हैं, थर्ड वाले कितने हैं, फोर्थ कितने हैं। इसको मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 10,000 यानी 10,000 वोटर्स वोट करेंगे तो उसमें अब इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस तरह से वोटिंग हुई और ए को मिला मान लीजिए 3,900, बी को मिला 2,700, सी गोट 1,100 एंड डी गोट 2,200। अब इससे पहले एक चीज समझिए कि जीतने के लिए कितना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतने के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% + 1 seat चाहिए। ठीक है, 50% + 1 seat प्रेसिडेंट को चाहिए। तो अगर 10,000 है टोटल वोटर्स तो इनमें 5,000 + 1 चाहिए, कितना 5,000 + 1। ओके, अगर किसी एक कैंडिडेट को 5,000 + 1 यानी 5,000 एक वोट मिल गया, अगर टोटल एज्यूम कर रहे हैं 10,000, ये ज़्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअल मैं ये फिगर नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल यू कैन एज्यूम 5,000 + 1। तो अगर कोई कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो 5,000 एक वोट ले आते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन नहीं आया
मिला 3900, टू बी को मिला बी को 2700, सी को 1100, डी को 2200. तो आप क्या होगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में ये देखना है कि इसमें सबसे कम किसको मिला है. तो सबसे कम यहाँ देखिए सी है, सी को कितना मिला, सी को 1100. तो अब क्या होगा कि सी जो है इस रेस से बाहर, सी इलेक्शन के रेस में बाहर हो गया, 1100 से ये जीत नहीं सकते. तो अब इनका वोट क्या होगा कि सी को जिन लोगों ने वोट किया होगा तो उन्होंने भी तो उसमें प्रेफरेंस किया होगा सी को. ये 1100 वो है जो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दिया था, लेकिन उन लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी भी दिया होगा. वो वोटर्स जब सी को वोट कर रहे थे तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो सी के लिए था, सेकंड प्रायोरिटी बी के लिए हो सकता है, ए के लिए हो सकता है, ठीक है. तो इनका जो वोट है और जो सेकंड प्रायोरिटीज है, थर्ड प्रायोरिटीज है, फोर्थ प्रायोरिटीज है, वो ट्रांसफर हो जाएगा ए बी और डी. इस तरह से अब ए को मान लीजिए कि 5000 या 6000, इसका वोट ट्रांसफर होने के बाद भी अगर ए को 5001 वोट नहीं मिला तो फिर देखेंगे कि सबसे मिनिमम तो लाना ही है, तो उसके लिए फिर देखेंगे कि इसमें सबसे कम किसको प्राप्त हुआ. तो उसके बाद आता है 2200, जिन तीनों में सबसे कम है 2200. तो इनको भी हम इस रेस से बाहर कर देंगे और इनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि जब जो लोग बी को वोट कर रहे थे तो प्रायोरिटीज वो ए को बी को सी को डी को भी किया, तो उनकी वो प्रायोरिटीज ऐड हो जाएगी ए और बी. इसके बाद मान लीजिए कि ए को 6000 मिल जाता है या फिर 5001 प्लस मिल जाता है तो इनकी जीत हो जाएगी ए की. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. ओके, तो So thank you for listening. Be happy and spread happiness.